सब्जियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए हज़ारों सब्जियां उतार दी हैं, जिसमें उसकी बॉडी के लिए बहुत से मिनरल्स विटामिन्स पाए जाते हैं, जो उसकी सेहत को और बरकरार करते हैं और सेहत को और अच्छा करते हैं और उसे बीमारियों से बचाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्जियों का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को खिलाएं, ताकि उनकी भी सेहत अच्छी रहे और बीमारियों से दूर रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लौकी गोश्त, बहुत मज़े का बनने वाला है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले मैं आपको इसकी अज्जा बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक लौकी ले ली है जो तकरीबन आधा किलो के दरमियान की थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच लिया है। मैंने यहाँ पर आधा किलो जो है वो चिकन ले लिया है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 3 ही टमाटर ले लिए हैं, हरा धनिया है और ये कुछ सूखे मसाले हैं। मसाले कुछ यूँ हैं, यहाँ पर मैंने एक चम्मच जो है वो मेथी ले ली है, सूखी मेथी है, ये देखिए एक चम्मच सूखी मेथी ले ली है, और एक चम्मच लाल मिर्ची है, हसबे ज़ायका नमक है, आधा चम्मच से भी कम गरम मसाला है और आधा चम्मच हल्दी है। यही मसाले हमारी रेसिपी में डालेंगे और रेसिपी इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और इसको बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। चलिए जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद हम इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याज का कलर कुछ चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पे हम अपना गोश्त शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने जो आधा किलो गोश्त लिया था अब मैं इसमें डाल दूँगी और गोश्त को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, इस पॉइंट पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था उसको डाल देंगे और गोश्त को हम अदरक लहसुन के साथ भी भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन के साथ गोश्त को भूनते हुए। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम अपने मसाले शामिल कर देंगे। हमारे मसाले जो मैंने आपको बताया कि आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च, नमक और कस्तूरी मेथी। नॉर्मल मेथी भी ले सकते हैं, अगर कस्तूरी मेथी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारा गोश्त और मसाले जो है वो अच्छे से एक हो जाए। ठीक हो गया, 2 मिनट के बाद मिलते हैं। यहाँ मुझे मसालों के साथ गोश्त को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम अपने टमाटर शामिल कर देंगे। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे वो डाल देंगे। टमाटर डालकर हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और आंच को लो कर देंगे और ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट के इसको छोड़ देंगे, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और उसके पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। ठीक हो गया, 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका पानी भी है वो खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे हम अपनी सब्ज़ी शामिल कर देंगे, जो हमने लौकी ली थी वो इसमें डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए इसमें भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने आंच को पहले लो किया था, अब मैं मीडियम कर दूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं, इस पॉइंट पर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यहाँ पर 2 बड़े गिलास पानी को शामिल कर रही हूँ, क्योंकि लौकी जो है वो थोड़ा टाइम लगाती है गलने में, तो मैं इसमें 2 बड़े गिलास पानी को शामिल करूंगी और आंच को मीडियम से हल्का सा लो कर दूंगी। बिल्कुल नॉर्मल लो नहीं करना है, बस मीडियम से थोड़ा सा कम करना है आपने। और ढक्कन बंद करके तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद चेक करेंगे, अगर हमारी लौकी गल चुकी है तो ठीक है, अगर नहीं गली तो दोबारा थोड़ा पानी डाल के हम इसको पका लेंगे। बाज़ अवकात ये होता है कि लौकी जो होती है वो ताज़ी होती है तो जल्दी गल जाती है, और अगर वो थोड़ी सी मतलब 2-3 दिन की पड़ी होती है तो वो बहुत देर से गलती है। ठीक हो गया, 10 मिनट तक हम वेट करते हैं, उसके बाद इसको चेक करेंगे। चलेंगे चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से हमारा गोश्त भी गल चुका है और हमारी जो लौकी है वो भी गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें धनिया शामिल कर देंगे। धनिया डाल के गैस को बंद कर देंगे और ढक्कन इसका बंद करके तकरीबन 5 मिनट तक ढक्कन हम नहीं उठाएँगे। मैंने हरा धनिया डाल दिया, अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और गैस भी बंद कर देंगे। आप 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको गार्निश करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी हमारी रेसिपी बन के रेडी है और ये बहुत मज़े की है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।